नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश दुनिया में आज गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सोमवार को प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में सुबह सवेरे श्रद्धालु उमड़े। सभी ने जहाँ पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मत्था टेक कर गुरु चरणों में शीश नवाया और अरदास की। इस दौरान कोरोना नियमों का विशेष पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु अरदास करते नजर आए। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। साथ ही उन्होंने देश और देशवासियों के बेहतर भविष्य की कामना भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, गुरु नानक देव ने लोगों को एकता, समरसता, बंधुता, सौहार्द और सेवा भाव का मार्ग दिखाया और परिश्रम, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान पर आधारित जीवन शैली का बोध कराने वाला आर्थिक दर्शन दिया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा पुंज है। वहीं पीएम मोदी ने पंजाबी भाषा में ट्विटर पर बधाई संदेश लिखा और सिख गुरु नानक देव को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। उनके संदेश हमें समाज की सेवा और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को गुरु नानक देव जी की जयंती की बधाई दी। उन्होंने लिखा, समस्त देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक जी के विचार हमें सदैव धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अहंकार से दूर सत्य और भाईचारे की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी को मेरा नमन। गुरु पूर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश पर्व के दिन सभाओं में गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब पाठ किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।